स्वाद किचन विद हाईटेक किचन अप्लायंसेस। चलिए तो आज हम बनाने जा रहे हैं फरेरो रोशर लेयर्ड क्रीम यम्मी डिजर्ट। इसके लिए हमारे पास है शेफ मास्टर 101। हमारे पास है यहाँ पे 2 कप ऑफ मिल्क एंड इसमें हमारे पास है 1/3 कप ऑफ स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड पाउडर। गैस ऑन करके थोड़ा दूध हम गर्म करते हैं और थोड़े दूध में स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर को मिला लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 1/2 कप ऑफ शक्कर, जो हमारा दूध हमने गर्म करने के लिए रखा है उसमें हम ऐड कर देते हैं। उसमें हम ऐड कर रहे हैं डाइल्यूटेड कस्टर्ड मिल्क। इसको स्टर करते रहिए, प्रॉपर थिक होने तक चलाते रहिए और ठंडा होने के बाद अगेन वो थोड़ा सेट हो जाएगा। हमारे पास है 200 ग्राम ऑफ डार्क चॉकलेट सेकेंड लेयर के लिए। इसके साथ है 1/2 कप ऑफ फ्रेश क्रीम। ये क्रीम जो आप ले रहे हो डेयरी का ही क्रीम लेना है और जस्ट साइन लाने के लिए उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ बटर। तो इसके लिए हमने यहाँ साइड पे ट्रफल की भी तैयारी कर लेनी है। चलिए तो ये हमारा कस्टर्ड ऑलमोस्ट रेडी है विद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। फर्स्ट लेयर हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड का एंड उसको हम फ्रिज में रख देंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए। चलिए तो अभी हम बनाते हैं चॉकलेट ट्रफल। अभी कस्टर्ड का जो लेयर रेडी है इसके ऊपर ट्रफल ठंडा करके हमने कोन में भरा है और सेकेंड लेयर उसका बनाते हैं। सेकेंड लेयर को भी 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं। अभी थर्ड लेयर के लिए हेजलनट स्प्रेड को कोन में भर के लेयर करते हैं। फोर्थ लेयर में हमको उसके ऊपर गार्निशिंग करनी है नॉन डेरी व्हिप क्रीम की। अभी क्रीम को व्हिप करने के लिए शेफ मास्टर 101 में हम ऐड करते हैं। व्हिप की हुई क्रीम से 8 नंबर की नोजल में भर के उसको गार्निश करते हैं। उसके साथ हम फरेरो रोशर के कैप के ऊपर थोड़ा सा काजू स्प्रिंकल करके रख लेते हैं। तो हमारा यम्मी हेजलनट लेयर्ड क्रीम रेडी है।